Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Phone. हेलो दोस्तों, हाय, मैं संजय गुप्ता और संजय गुप्ता सपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ उन बॉलीवुड एक्टरों की, जो पुराने बॉलीवुड एक्टर थे वो अपनी दमदार आवाज़ और दमदार मिमिक्री यानी दमदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते थे। और बहुत सारे ऐसे चुनिंदा एक्टर हैं जिनकी आवाज़ मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाने वाला हूँ, जिनमें से एक हैं सनी देओल साहब। अगर देश की आज़ादी की बात करें, चाहे वो बॉर्डर फिल्म ही क्यों ना हो, उनके जो डायलॉग्स हुआ करते थे वो आज भी लोगों के बीच में उतने ही फेमस है जितने पहले हुआ करते थे। उन्होंने बोला था, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और देश के दोस्त मानो, अगर तुम लोगों ने मेरे देश की ओर आँखें उठा कर देखी तो मैं तुम्हारी आँखें निकाल लूँगा और इन आँखों की गोटियाँ निकाल के खेलूँगा, गोटियाँ। और अगर बात करें, ये एक उनका सबसे बेहतर डायलॉग था। और एक उन्होंने डायलॉग बोला था गदर मूवी में, उस गदर मूवी का डायलॉग गदर मचा के रख दिया। उन्होंने बोला था, आए जब डाय के लोग हाथ किसी पे पड़ता है ना तो हाथ भी उठता नहीं और जाते हैं। हाँ, और मैं बात करूं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जिनमें से एक हैं राजकुमार साहब। राजकुमार साहब की अगर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है तो वो ये है कि उनके अंदर कभी अहंकार नहीं था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो जब भी कहा करते थे बोलते थे हम, मतलब वो अपने आप को भी बोलते थे तो बोलते थे हम। जैसे कि उनका तिरंगा मूवी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, जानी हम राजकुमार है, राजकुमार ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, आप बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि अभी 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त के मौके पर हम सभी मिलकर तिरंगा फहराएंगे, दोस्तों मिलकर तिरंगा फहराएंगे। और ये उनके डायलॉग्स हो गए। और अब मैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, अगर उनकी आप मूवियाँ देखेंगे तो एक ऐसा एक्टर है जो हमेशा ऐसे गर्दन तिरछी करके आता है ऐसे। अब आप तो समझ गए होंगे, अंदाजा तो लगा लिया होगा एक्टर कौन सा है। मैं उस एक्टर का नाम बताना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, वो एक्टर है अजय देवगन। अजय देवगन जब भी बोला करते हैं उनकी भी आवाज़ लोगों के दिलों को छू गई है। उनका एक बहुत ही मशहूर सा डायलॉग था जिन्होंने बोला था, अबे तू अपनो रे लूटा, अबे तू अपनो रे लूटा, गैरों में का डपटा, अबे तू अपनो रे लूटा, गैरों में का डपटा, हमारी कश्ती बा डूबी चाह पारी कपटा। मैंने तुझको कितनी बार बोला है तो ऐसे हरकते मत किया कर, इस तेरे भाई को बहुत बुरा लगता है। और देखने वालों, अगर देख रहे हो ना तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हाँ लाइक जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं अजय देवगन हूँ, अजय देवगन, हाँ याद रखना। ये उनका डायलॉग था। और उसके बाद उनके एक और कोई स्टार, मतलब उसी टाइम के एक स्टार थे जो कि जिन्होंने बहुत ही पॉपुलरिटी हासिल की थी, जिन्हें नाम से प्यार से लोग कहते हैं, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को तो जानते होंगे ना। हाँ, बाबू भैया, बाबू भैया, आप हमें बोलचा ये और साक्षा, आप हमें बोलचा ये और साक्षा, अब भाई आपका भाव लाचू ऐसा भाव होता नहीं चौका, मैं कसम मैं इस देश का रखवाला हूँ और इस देश की रक्षा करूँगा। भारत माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर हमारे देश की ओर किसी ने भी आँख उठा के देखा गला काट दूंगा। और बहुत ही दमदार मिमिक्री जिनकी अगर की जाए तो वाकई में पूरा गला क्या, पूरा इंसान इधर उधर हिल जाता है। जिनकी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है, वो आवाज़ मैं लेना चाहता हूँ। रामजादी, क्या कर रहा है तू? तेरा खून पी जाऊंगा। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है, तू ये मत आया कर। रामजादी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। हाँ, ये थे धर्मेंद्र पाजी। और धर्मेंद्र पाजी की बात ही कुछ निराली है, धर्म जब तक गर्म ना हो तो काम कैसे होगा। और धर्म आज भी उसी तरह से गरम गरम पीते हैं और सबको दिलों को बहलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल करती हूँ भैया।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलना मत। मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर छिल्ले।